बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर ले। हमने पढ़ा था ही डिसिपेटेड फ्रॉम अ फिन इंसुलेटेड एट द टिप। तो आपको याद रखने वाली जो बात थी वो ये बात थी कि आपको ये याद रखना है कि dt/dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तब आपने क्या किया, पहला बाउंड्री कंडीशन रखा जिसमें आपका वेल नोन था थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन ये था कि x इज इक्वल टू l जब होगा तो dt/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपने इक्वेशंस निकाले c1 प्लस c2 इज इक्वल टू थीटा नॉट, और एक निकाली c1e^(ml) माइनस c2e^(-ml) इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने c2 की वैल्यू निकाली, इसको इधर शिफ्ट करके, और ये c2 की वैल्यू जो है वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एक θ1 और एक θ2 की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इसे सॉरी c1 और c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट हो, मतलब मिल गई। अब ये c1 और c2 की वैल्यू आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था क्या, θ इज इक्वल टू c1e^(mx) प्लस c2e^(mx) में c1 और c2 की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद θ/θ0 इज इक्वल टू, थीटा क्या होता है, तो tx-ta/t0-ta ये होता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ जब आ जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना है कि इट इज अ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कोसाइन। कोसाइन में जब आपने ये मतलब इसको कन्वर्ट किया हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कोसाइन, उसके बाद आपको मतलब ये आपका ये अल्टीमेटली एक फिगर आ गया जहाँ पे अगर आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फैकल्टी को एनी हाउ 4 मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और चलिए यहाँ तक आ जाने के बाद अब आपको हीट फ्लो फ्रॉम द फिन निकालना था। तो हीट फ्लो फ्रॉम द फिन के लिए फॉर्मूला आपने यूज किया था क्यू इज इक्वल टू -ka dt/dx एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका जो स्टैंडर्ड फंक्शन था, स्टैंडर्ड कौन था, θ/θ0। ये देखो θ/θ0 इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब इस वाले टर्म को इस तरफ आप लेके आए, यहाँ पे ले आने के बाद आपने इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए हट जाएगा, तो ये बचा dt/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कोसाइन का डिफरेंशिएशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज आई, जो ये आपने एक वैल्यू क्रिएट की, ये वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना था, और जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि क्यू फिन इज इक्वल टू √phkA t0-ta हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 m। ठीक, यहीं पे मैंने आपको एक रिवाइज करने के लिए बोला था कि जब आप इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ की करेंगे तब वहां पे ये जो 10 वाला फंक्शन था ये हट जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि √phkA t0-ta। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट किया था। ठीक, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल कहता है कि एल्युमिनियम फिन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल आर अटैच ऑन अ प्लेन वॉल विथ 5 mm स्पेस। ओके, द फिन हैव थिकनेस y इज इक्वल टू 1 mm, लेंथ l इज इक्वल टू 10 mm, एंड थर्मल कंडक्टिविटी k इज इक्वल टू 200 mm। ठीक है, तो 200 वॉट पर मीटर केल्विन। द वॉल इज मेंटेन एट द टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आपका टी नॉट की वैल्यू दे दी, एंड द फिन फिन डिसिपेटेड हीट बाय कन्वेक्शन इनटू द एम्बिएंट एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो एम्बिएंट टेम्परेचर लिखा है इसलिए हमने इसको टी ए विथ हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एच की वैल्यू देके रखी है, तो डिटरमाइन सूरज षष्ठी नेक्स्ट टाइम लेट मत आना। चलिए, तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या गिवन देके रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वाई की वैल्यू आपके पास है, लेंथ की वैल्यू आपके पास है, और क्या देके रखा है, वाई दे दिया, लेंथ दे दिया, टी जो है थिकनेस। आई थिंक एक्चुअली यहाँ पे ये जो टी दिया हुआ ना,
हाँ ये टीथ थिकनेस दे के रखा है। ओके, इसमें दो बार ये होती है ना। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी दे के रखा है टी नॉट और टी ए, और एच की वैल्यू दे के रखा है। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, तो हीट डिसिपेटेड कहाँ लिखा है भाई, डिटरमाइन द हीट लॉस। तो एक्चुअल में आपका जो हीट लॉस का फॉर्मूला जो आपके ब्रेन में आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 10 mm। चलिए अब इसमें से पहले बोलते हैं पैरामीटर। तो जब ये आप क्वेश्चन इस तरह की कोई भी क्वेश्चन करें तो कोशिश करिए कि आपका फिगर जो है वो आपके सामने है। ये देखिए, अगर ये फिगर आपको दिख रहा है तो इसने बेस टेम्परेचर दे दिया 200 डिग्री सेल्सियस, एम्बियंट टेम्परेचर दे के रखा। अब ये जो थिकनेस है वो 1 दे के रखा हुआ है, 1 mm, ठीक है, और आई थिंक लेंथ दे के रखा हुआ है 10 mm, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड कौन है, तो थर्मल कंडक्टिविटी है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। सर बुला रहे हैं, 1 मिनट रुकना आप लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या क्या, भैया आवाज आ रही है आप लोग को, हेलो, ठीक। चलिए तो सारे गिवन डेटा हमारे पास आ गए और ये गिवन डेटा के बेसिस पे पहले मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये फॉर्मूला लिखते वक्त मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एम की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, ई चाहिए और के चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी वैल्यूज आपके पास है, क्यों, क्योंकि पैरीमीटर क्या होता है, तो पैरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एच। अब आपके पास बी की वैल्यू यहाँ दी नहीं है, तो उन्होंने लेट एक एज्यूम कर लिया कि फॉर यूनिट वेथ ऑफ द फिन, तो बी की वैल्यू उसने कंसिडर किया। तो पी का मतलब पी पैरामीटर क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ बी प्लस वाई, और एरिया क्या हुआ, तो बी इंटू वाई। तो इसके बेसिस पे उन्होंने इक्वेशन बनाया और अल्टीमेटली एम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आपके पास ये एम आ गया, आपके पास पैरामीटर है, आपके पास एरिया है, तो अल्टीमेटली आपका ये सॉल्व हो जाएगा और कितना हीट लॉस हुआ वो आइडेंटिफाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू एन आयरन फ्रेम ऑफ लेंथ 50 mm विद 100 mm एंड थिकनेस 5 mm। तो एक ख्याल से एल बी और टी की वैल्यू आपको दे के रखती है, एज्यूम के एंड एच फॉर द मटेरियल ऑफ द फ्रेम एंड द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द फ्रेम इज सी नॉट की वैल्यू दे के रखती है। ऑल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द इफ द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज 20। तो मेरे ख्याल से ये जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जनरली सारे डेटा आपको दिए रहते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। चलिए तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, देखो पैरामीटर से पहले फिर वही मैं बोल, जब तक आप ये ग्राम मतलब ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो ग्राफ बना मतलब ये जब डायग्राम बनाया तो आपको ये पता चल गया कि ये विड्थ है बी और ये थिकनेस है वाई। तो हमारा जो पैरीमीटर होगा बी प्लस वाई इंटू टू, तो इससे आपका पैरीमीटर आ गया। इसी तरीके से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। देखो एक और बात यहाँ याद रखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वो पार्ट जहाँ से हीट डिसिपेट हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि आपका जो डिसिपेशन वाला पार्ट है वो कौन सा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है। तो अल्टीमेटली आपके पास पी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, तो एम की वैल्यू अंडर रूट एच पी अपॉन के ए से आप एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब अल्टीमेटली हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो हीट ट्रांसफर आप यहाँ से वैल्यूज को पुट करके हीट ट्रांसफर निकालेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द फिन, तो टिप ऑफ द फिन पे टेम्परेचर कितना हो। देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ का किया था, इस बार इंसुलेटेड एट द टिप, तो इससे कोई फॉर्मूला मतलब वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कि आप कौन से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, बस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मतलब ये जो पार्ट है ये आपका हाइपरबोलिक का पार्ट है, मतलब आपको जब आपने डेरिवेशन किया था तब यहाँ तक वाला जो पार्ट था वो आपको ये बता रहा था कि इट इज अ सिस्टम वेयर इंसुलेटेड एट द टिप। तो अगर इंसुलेटेड एट द टिप होगा तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 होगा,
तो ये मुझे याद नहीं रखना, स्टैंडर्ड कौन सा याद रखना है, तो ये वाला स्टैंडर्ड, मतलब याद रखना है मगर ये वाले पार्ट आपको जरूरी नहीं। तो एट एक्स इज इक्वल टू एम, अभी आपको फॉर्मूला है थीटा अपॉन में थीटा नॉट सर्कुलर आ रहा, ठीक है। तो थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए। अब एक्स की वैल्यू जब तुम एल रखोगे, तो एल रखोगे तो ये आपका इक्वेशन। अच्छा एक चीज, ये इक्वेशन मेरे को समझाना है, एक मिनट को मैं आ रहा हूँ। तो t माइनस 20 अपॉन 80 माइनस 20, मतलब ये और ये आपके पास दिया हुआ था, तो अल्टीमेटली इससे वो टेम्परेचर मिल जाएगा जो आपके x इज इक्वल टू एल लेंथ पे पहुंच के मिल जाता है। ओके चलिए, आज का टॉपिक पहला आपने इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ पढ़ लिया, सेकेंड आपने टिप पढ़ लिया, अब जो थर्ड है वो कहता है कि हीट डिसिपेटेड फ्रॉम अ फिन लॉसिंग हीट एट द टिप बाय द कन्वेक्शन। याद रखना बाय द कन्वेक्शन बोल रहा है, बाय द कन्वेक्शन नहीं बोल रहा। तो जब कन्वेक्शन टर्म यूज किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब जो हमारा फोरियर लॉ है वो फोरियर लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फोरियर लॉ क्या कहता है कि माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ एक बात याद रखने के लिए है कि जब हम अपना ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सिमिलर है, ठीक है। कैसे वो दिखा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बताया, ये देखो ना, वो बता रहा हूँ, देखो क्या कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट द कन्वेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर हीट कन्वेक्शन इज इक्वल टू सरफेस एरिया फ्रॉम विच कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस एट द टिप ऑफ द फिन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके चलिए फिर से सेम प्रोसेस, पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट इक्वल हो जाएगा। तो जब थीटा थीटा नॉट इक्वल होगा तो हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा वो होगा सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि हीट कंडक्शन कंडक्टेड टू द फिन एट एक्स इज इक्वल टू एल, हीट कंडक्टेड अब इज इक्वल टू हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द इन टू द सराउंडिंग, मतलब कंडक्शन इज इक्वल टू उसमें कन्वेक्शन होगा। तो हमारा इस समय इक्वेशन क्या बना, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू टी माइनस टी ए, टी माइनस टी ए या टी एक्स माइनस टी ए, ठीक है। चलिए अब अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया है तो मुझे डी टी बाई डी एक्स, मतलब इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया, एच इंटू अब टी एक्स माइनस टी ए को हम लोग थीटा लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ये के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्लियर होने के बाद ये बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गए। अब इसके बाद अब आपको सेकंड स्टेप यूज करना है, जो सेकंड स्टेप आपका कहता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर एम एक्स, और थीटा क्या होता है, तो थीटा जो होता है वो होता है टी एक्स माइनस टी ए। तो टी माइनस टी ए इज इक्वल टू सी वन ई रेज पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेज पावर माइनस एम एक्स। अब विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हमने उसमें कंडीशन लगाई कि x इज इक्वल टू एल अगर हुआ, ठीक है, x इज इक्वल टू एल, तो हमारे पास जितने भी x हैं वो सारे के सारे l में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया एम सी वन ई रेज टू पावर एम एल माइनस एम सी टू ई रेज टू पावर माइनस, और एट द सेम टाइम आपका जो दूसरा कंडीशन क्या कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस एच थीटा बाई के इक्वल आ जाएगा। तो आपने माइनस एच थीटा बाई के इक्वल,
ठीक है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल किया। अब ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल करने के बाद यहाँ पे देखिए, इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपको इस थीटा को ओपन करना है। तो जैसे आप थीटा को ओपन करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा सी वन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। और इसी समय जब हमने एक्स इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा जो इक्वेशन हुआ वो चेंज हो गया सी वन ई रेज टू पावर एम एल प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एम एल। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तब अब आपका जो ये इक्वेशन है, मतलब हम जो पहले इक्वेशन में चल रहे हैं यहाँ पे अब आपको सी वन या सी टू की वैल्यू फाइंड आउट। तो हमने क्या लिखा, सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट, यहाँ पे देखना ना जो बोल रहा हूँ, सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस सी वन, लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे ही चल रहा। तो सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस सी वन। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे मतलब सी टू की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर, ठीक है। चलिए जब वैल्यू पुट की तो हमारा जो इक्वेशन बना वो हुआ सी वन ई रेज टू पावर एम एल माइनस, यहाँ पे सी टू था तो सी टू की जगह पे थीटा नॉट माइनस सी वन ई रेज टू पावर माइनस एम एल इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एम ऑफ दिस टर्म। क्लियर है? चलिए अब ये क्लियर हो जाने के बाद अब आपको क्या करते हैं, तो सी वन वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ ले आते हैं। तो मैंने क्या किया, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखो ये पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया ओपन करके, ओपन करने के बाद उसने क्या किया सी वन का वैल्यू निकाला, मतलब जितने भी सी वन वाले पार्ट थे वो सबको एक तरफ ले गया और जो बाकी बचा था वो दूसरे तरफ ले गया। अब यहाँ से उसने क्या किया सी वन को कॉमन किया और यहाँ से उसने थीटा नॉट ई रेज टू पावर माइनस एम एल को कॉमन। तो अगर इसको कॉमन करोगे तो यहाँ वन माइनस एच अपॉन के एम आ जाएगा और सी वन को यहाँ पे कॉमन रख रहे। तो अल्टीमेटली मुझे सी वन की वैल्यू चाहिए थी तो सी वन इज इक्वल टू क्या होगा दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म। तो आ गया थीटा नॉट वन माइनस एच अपॉन के एम ई रेज टू पावर माइनस एम एल ऑफ दिस टर्म। जैसे आपका सी वन की वैल्यू आए, अब ये सी वन की वैल्यू अब आप यहाँ पे रखिए और इससे आपका सी टू की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब सी टू की वैल्यू उसने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सी टू की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉब्लम आप एक बार देखिएगा, अगर डाउट हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। तो यहाँ पे आपने सी वन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे आपने सी टू की वैल्यू निकाली। अब ये सी वन और सी टू की वैल्यू जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। तो ये देखो ये सी वन की वैल्यू हो गई और ये सी टू की वैल्यू हो गई। अब सी वन और सी टू को मतलब रखने के बाद देखिए स्टेप समझा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, अगर डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है ये याद कर लेना है कि थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी ए इज इक्वल टू, ये हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा कॉस और साइन। ये आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, मगर फिर भी सीखने की बात है। तो यहाँ से मैंने थीटा नॉट और थीटा नॉट दोनों को कॉमन करके कॉमन निकाल दिया। अब इन सबको अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ और यहाँ मतलब दोनों को बाहर सर्जेट कर सकते। तो ये क्या हुआ ई रेज टू पावर, ये देखो ई रेज टू पावर माइनस एम एल इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स। तो हमारे पास ई रेज टू पावर एम को अगर कॉमन निकाल दें तो हो जाएगा माइनस एल प्लस एक्स, ठीक है। और अगर उसको चेंज किए तो फिर ये इक्वेशन बन सकता है, मतलब ये ऊपर नीचे से लिख सकता है। तो ई रेज टू पावर एम एल माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एम एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन के एम ऑफ दिस टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म। तो अल्टीमेटली आपका जो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हाइपरबोलिक फंक्शन है कोसाइन का, और ये जो फंक्शन है ये हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन का, ठीक है। ये कॉस का है और ये साइन का। तो आप जैसे कॉस और साइन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो बस
पुट करने के बाद ही आपका ये जो आपका मेन इक्वेशन डेरिवेटिव वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला था 4 मार्क्स में आपको मिलेगा, ये 4 मार्क्स आपने अचीव कर लिया। अब द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन, अब यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है कि अगर कंडक्शन इज इक्वल टू कन्वेक्शन होगा तो फिर क्या निकलेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है क्या, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन विथ थीटा नॉट इज इक्वल टू ये वाला, थीटा अपॉन विथ थीटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू दिस वन, और इस वाले टर्म को मैं इस तरफ लेके क्यों लेके आया तो वो बता। देखो याद रखना आपको यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये कंडीशन यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए आपने ये वाला इक्वेशन निकाला और ये इक्वेशन को अब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो ये आपका डी टी बाई डी एक्स हो गया, डी टी बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है मतलब अब इसको अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस एम हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन एम एल माइनस एक्स इंटू माइनस एम। इसी तरीके से साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो गया और कॉस जो है वो साइन। तो इस तरीके से आप इस मतलब इन सबको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद अब आप लिमिट पुट कर दीजिए कि एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, तो अगर आपने एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो रखा तो ये हो गया टेन एम एल प्लस एच अपॉन के एम कॉस एम एल अपॉन कॉस एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन एच एम एल। अब इसके बाद मतलब ये आपने वो इक्वेशन पूरा जस्टिफाई कर दिया, तो अब ये जो डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो है ये आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। तो अब ये इक्वेशन जैसे आपने वहां पे रखा तो फॉर्मूला बनना पी सी इज इक्वल टू के ए, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो के ए एन टी नॉट माइनस टी ए ऑफ होल टर्म, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अंडर रूट पी एच अपॉन के ए, और उसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है अंडर रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए ऑफ होल दिस टर्म, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने साइन बाई कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या किया हर तरफ कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो अगर मैंने डिवाइड किया, अगर कॉस का डिवाइड कर दिया है तो ये साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, कॉस बाय कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये सिंपली खड़ा रह जाएगा, यहाँ पे ये वन हो जाएगा प्लस एच अपॉन के एम टेन एम, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, वरना अल्टीमेटली आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड यूनिट पार्ट कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो बस एक हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते वक्त हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि x इज इक्वल टू इनफाइनेट हो जाएगा, तो अगर इनफाइनेट हो गया तो आपका जो फॉर्मूला बना था वो थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए होगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पढ़ा था जिसमें आपने बोला था कि वो इंसुलेटेड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल और टिप जो है वो इंसुलेटेड है, तो अगर टिप इंसुलेटेड आपने किया तो ये इक्वेशन बना था डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये बनाया तो आपने इक्वेशन जो क्रिएट किया था वो था थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए इज इक्वल टू हाइपरबोलिक फंक्शन था, तो ये इक्वेशन बना था अंडर रूट एच पी ए के टी नॉट माइनस टी ए इंटू टेन, ठीक है, एम एल।
और जो तीसरा इक्वेशन था, तीसरा इक्वेशन स्टेटमेंट दिया है कंडक्शन इज इक्वल टू कन्वेक्शन, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू एल ही रहेगा, लेकिन इस जगह पे कंडक्शन जो है वो कन्वेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशन बनेगा तो आपने स्टेटमेंट दिया ये वाला, ये इक्वेशन लिखा, और इस इक्वेशन के बेसिस पे आपने जो फॉर्मूला क्रिएट किया, जो फॉर्मूला क्रिएट किया वो था, देखो 10 ml तक, तो यहाँ तक तो आपने सेकेंड में जो पढ़ा है वही चल रहा था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एच अपॉन के एम अपॉन 1 प्लस एच अपॉन के एम 10 hm। बस इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकता है।